राजकुमार राव की जो अगली फिल्म आने वाली है हिट द फर्स्ट कैस, उसका ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ, मैंने उस ट्रेलर को देखा और भाई साहब बढ़िया ट्रेलर लगा मुझे। ट्रेलर में अच्छी बात यह है कि हमें आखिरी तक कोई भी राज नहीं खोले, आखिरी तक हमें कुछ भी ये नहीं बताया कि आगे क्या होगा। बस हमें ट्रेलर में बीच बीच के कुछ पोर्शन दिखाए गए हैं, बहुत ही अच्छा काटा है इस ट्रेलर को। सस्पेंस थ्रिलर वाला फिल्म हमें बहुत टाइम बाद बॉलीवुड की तरफ से देखने मिल रहा है। ऐसा ही एक फिल्म हमें रत्सानन देखने को मिला था, लेकिन ये जो फिल्म है हिट द फर्स्ट केस, ये रत्सानन का रीमेक नहीं है, ये एक साउथ फिल्म का ही रीमेक है जिसका नाम भी हिट द फर्स्ट केस ही था। ट्रेलर को देखने के बाद हमें जो स्टोरी समझ में आती है ये कि एक लड़की है जो किडनैप हो जाती है और उसे इंडक्ट करने के लिए एक इंस्पेक्टर को हायर किया जाता है। राजकुमार राव हमें उस रोल में दिखते हैं और क्या ही खूब एक्टिंग की है भाई राजकुमार ने। इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच एनी राजकुमार राव फिल्म। भाई साहब उस फिल्म में हमें एक्टिंग दिखती है, इमोशन दिखता है, फीलिंग दिखता है, जो एक एक्टर को होना चाहिए एन एक्टर में, वो सब कुछ हमें राजकुमार राव के फिल्मों में दिखता है। राजकुमार राव के साथ हमें सानिया मल्होत्रा भी दिख रही है, काफ़ी बढ़िया काम किया उन्होंने, राजकुमार राव को संभाल कर रखती है, उनके मेंटल हेल्थ को काबू में करने की कोशिश करती है, ठीक करने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हो सकता है फिल्म तो 15 जुलाई को आ रहा है शायद, तो देखते हैं और उसके बाद आपको रिव्यू मिलेगा इसी चैनल पे। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इस ट्रेलर को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।